से भगवान राम की नगरी से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में गंभीर रूप रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नाकाफी चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से बेड्स की यानी कि बिस्तरों की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार को पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकारी अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में 2017 में शुरू की गई एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली में आबादी के हिसाब से चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर ज्यादा खर्च की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार को शहर के सभी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या रियल टाइम में देने वाला एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने की व्यावहारिकता पता करने का भी निर्देश दिया है। और अब अर्थ जगत की खबरें।